हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कुछ भी कमी लगे तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई नया मेकअप लुक देखना है तो वो भी बताइएगा। प्लस ये मेरा रियल पार्टी मेकअप लुक है और इस लुक को क्रिएट करके मैं पार्टी में गई थी। ये खास तौर से लड़कियाँ इस लुक को क्रिएट करके बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीटी लगने वाली हैं। जो लोग देखेंगे ना, वो ज़रूर पूछेंगे यार कौन से पार्लर से आ रही हो। तो ज़्यादा मैं खुद मोमिया मिट्टू नहीं बनूंगी, आप खुद ही जब ये लुक क्रिएट करोगे ना तो लोग आपसे खुद ही पूछने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो आप लोगों का, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। गला थोड़ा सा ख़राब है, चाय पी रही हूँ, एडिटिंग भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबसे पहले NYBA का कंसीलर। जो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बजट में बताने वाली हूँ, ये नहीं कि बहुत ही महंगी बताऊँगी। NYBA का कंसीलर आपको 120 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा, बहुत ही बजट में। इससे बजट में कंसीलर आपको कोई भी नहीं है मिलने वाला, और इतना अच्छा तो बेस्ट है, ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इसी तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा अपनी दोनों ही आई पर। यहाँ मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ कंसीलर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आज ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, इसको अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। मैं आई मेकअप काफ़ी क्लोज करके दिखा रही ताकि आप अच्छे से देख सको। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम यहाँ पे लगा लेंगे कॉम्पैक्ट, कोई भी कॉम्पैक्ट आप लगा लीजिएगा ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना बने। और यहाँ पे मैं ब्लैक स्मोकी आई क्रिएट कर रही हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैंने इसी में ब्लैक स्मोकी आई भी क्रिएट कर लिया ताकि और ही ज़्यादा प्रीटी लगे ड्रेस से मैच करता हुआ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लैक्मे का काजल, जो बहुत ही ज़्यादा बजट में है, बहुत ही अच्छा। आईलेट पे आपको लगा लेना है तो इस तरीके से आपको लगाना है। ये देखिए, दोनों ही आई पर आपको अप्लाई कर लेना है। और मेरी जो साड़ी है वो गोल्डन और ब्लैक है, थोड़ा सा ब्लैक है इसलिए मैंने ब्लैक स्मोकी आईज पे किया तो लुक अच्छा लग रहा था, इसी वजह से मैंने कहा कि कर लेती हूँ। क्योंकि अगर गोल्डन वगैरह सेड लगाती तो पूरी सारी गोल्डन गोल्डन चमक वाली है तो नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश ली हूँ, फ्लैट ब्रश के हेल्प से अच्छे से आपको अपने काजल को ब्लेंड कर लेना है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। दोनों ही आई में इसी तरीके से सेम करना है। तो ये जो मेकअप लुक है ना, लड़कियाँ सोचती हैं थोड़ा सा प्रीटी लगे, और यहाँ पर मैंने हैवी साड़ी नहीं ली, बिल्कुल हल्की साड़ी ली है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगने वाले हो जब आप इस लुक क्रिएट करके जाओगे ना। काफ़ी ज़्यादा लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपसे, यार क्या लग रहे हो। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। और इसके बाद मैं लूँगी मोर्फी का हेल पैलेट, मैंने यहाँ से ब्लैक शेड पिक किया। आपके पास कोई भी ब्लैक शेड हो आप वहाँ से पिक कर सकते हो। तो आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा लेना है, धीरे धीरे से लगाना, आईलेट पे ही लगाना है। और यहाँ पे पफी ब्रश आपको नहीं लेना है, फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगाना है। और इसके बाद मैं ली हूँ विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, जो मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, आपने देखा। और मैंने यहाँ से ब्राउन शेड पिक किया और एक पफी ब्रश मैंने लिया है। तो हमें लगाना ऊपर की साइड में, आईलेट पे नहीं लगाना है, यानी पे जहाँ पे हमने ब्लैक काजल ब्लैक आई शेडो लगाया था वहाँ पे नहीं लगाना है, उसके ऊपर लगाना है। और थोड़ा थोड़ा सा लेकर आपको ऊपर की साइड में ब्लेंड करते हुए अच्छे से लगा लेना है ताकि आपका जो आई मेकअप है थोड़ा सा उभर कर आए और अच्छा लगे देखने में। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको काजल पर नहीं लगाना है, जहाँ पर आपने ब्लैक लगाया ना वहाँ पर नहीं लगाना, दोनों में, दोनों ही आई में अच्छे से ये देखिए अप्लाई कर लेना है। और आपको जब तक ब्लेंड करना है, जब तक आपको आपका डिज़ायर कलर ना मिल जाए, तो मैं यहाँ पे जब तक ब्लेंड करूँगी इसको, जब तक मुझे जो कलर चाहिए वो कलर ना मिल जाए, जब तक मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी। कुछ इस तरीके से आपको भी सेम करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने पिक किया है ब्लैक काजल, यानी कि लैक्मे का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं शुरू से इसी को लगाती हूँ इसलिए मुझे ये पसंद आता है। और इसको हम अपने जैसे हम काजल लगाते हैं सेम उसी तरीके से लगाना है, थोड़ा सा मोटा लगाना है। और इसके बाद फिर मैं मोरफी का हेल पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैंने ब्लैक वाला सेट पिक किया है और उसको मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने काजल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो काजल स्किप करके सिर्फ आई पैलेट में से ब्लैक कलर शेड, ब्लैक शेड पिक करके लगा सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसलिए लगाया, थोड़ा सा डार्क आए ना, उभर कर आए इसी वजह से। तो इसी तरीके से आपको लगा लेना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ सेम आपको उसी तरीके से करना रहता है, ठीक है। और फिर मैं सेम ब्राउन वाला शेड पिक की हूँ और उसको सेम जहाँ पे मैंने ब्लैक लगाया था ना उसी के सेम ऊपर लगाना है, हल्के हल्के से ब्लेंड करते हुए, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद एक कॉटन लेंगे, कॉटन की हेल्प से जो हमारा जितना मैश हुआ है, जो थोड़ा बहुत आई शेडो जब हम अप्लाई करते हैं तो फेस पर गिर जाता है, तो इसी वजह से हम उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोज़ टोनर, जो काफ़ी ज़्यादा बजट में मिलता है। आप कॉटन की हेल्प से
आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बॉटल मेरे पास खाली पड़ी हुई थी तो उसी में मैंने अपना रोज़ वाटर डाल लिया है, तो उसी से मैं इस तरीके से लगा ली हूँ अपने पूरे फेस पे। और आई बन करके मैं नहीं अप्लाई करती हूँ, वो मैसी होने का डर रहता है इसी वजह से। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुड वाइब्स की क्रीम, गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठंड के लिए बेस्ट है। अगर आप चाहते हो ठंड के लिए कोई अच्छी सी क्रीम तो आप ये ले सकते हो। तो इसको मैं आज़ा मॉइस्चराइज़र के रूप में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये बजट में है। और इसके बाद मैं ली हूँ हुडा ब्यूटी का प्राइमर, जो बजट में 100 में आपको आराम से मिल जाता है। और सारे प्राइमर आपको थोड़े से महंगे मिलते हैं 100 के ऊपर, बस एक यही प्राइमर मुझे लगता है कि ये 100 में है तो ये बेस्ट है। अगर आप फाउंडेशन कोई अच्छा सा लेना चाहते हो तो मेबेलिन फिट मी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। और अगर आप विगनर, आपको फाउंडेशन अप्लाई करना नहीं आता ब्यूटी ब्लेंडर से, तो आप ये वाला ट्राई करोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ दी ने कुछ बताया था यार, आप इतने अच्छे से अप्लाई कर लोगे ना कि आपको लगेगा नहीं कि आपने फर्स्ट बार ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। तो मैं फेक नहीं रही हूँ, ये रियल बात है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है, फिर बताइएगा। तो आपको डॉट डॉट करके इस तरीके से अपने पूरे फेस पे लगाना है, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करिए, अगर आपको वो नहीं आता तो आप फ्लैट ब्रश यूज करिए, पफी ब्रश मत यूज करिएगा। पफी ब्रश थोड़ा सा केकी हो जाता है, जब हम खूब अच्छे से उसको ब्लेंड करते हैं, राउंड राउंड शेप घुमाते हैं ना, तो हमारी जो स्किन है थोड़ी सी ड्राई होने की डर रहती है, इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है ब्यूटी ब्लेंडर। एक दो बार ट्राई करोगे तो आप आराम से लगा लोगे। यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, कॉन्टोरिंग के लिए मैं ले रही हूँ NYBA का कलर करेक्टर, जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे मेरा सेट मैंने दिखाया था, मुझे ध्यान नहीं एडिटिंग करते समय तो अब हम कॉन्टोर कर लेंगे, नोज़ को करेंगे, चिक को करेंगे, जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत लगती है कि जहाँ पर मेरा चेहरा ज़्यादा चौड़ा है, चिपका है, तो उस हिसाब से मैं अपनी कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, तो मैंने नोज़ पर कर ली, अब मैं चिक पे कर रही हूं, तो थोड़ा सा मेरा नीचे के साइड में मुझे लगता है कि निकला हुआ है, थोड़ा सा लगता है, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं वहां पे भी लगा ले रही हूं। कॉन्टोरिंग करने से आपका फेस काफी अच्छे शेप में आ जाता है। और इसके बाद मैं ले रही हूं NYBA का सेम कंसीलर, इसको मैं अपनी नोज पे लगाऊंगी, जहां जहां हमें हाईलाइटिंग की जरूरत है तो वहां वहां पर हम कर लेंगे। यहां पर मैंने नोज पे लगाया, आई पे लगाएंगे अब हम, थोड़ी सी लाइट चमक रही है ना तो अजीब लग रहा होगा ना आपको, तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कंसीलर की ज़रूरत मैं वहाँ पे कंसीलिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से सेम जैसे मैं कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो चलिए पहले हम अपने कंसीलर को ब्लेंड करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से। तो आप चाहो तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो जहाँ जहाँ पर हमने कंसीलिंग की है वहाँ वहाँ पर अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना। ये देखिए यार लाइट पता नहीं क्यों आज अजीब सी हो जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरी लाइट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो लाइट आ जा रही है, तो इसी वजह से हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो। तो चलिए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं बात करते करते। और यहाँ पे मैं चाय भी पी रही हूँ, बारिश का मज़ा लेते हुए एडिटिंग भी कर रही हूँ, तो फटाफट से आपको ब्लेंड कर लेना है। बाबू सो रही है, बाबू की बॉटल पीछे रखी हुई है तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए तो हमारा कंसीलर ब्लेंड हो चुका है, तो अब हम जो कलर करेक्टर हमने लगाया था उसको हमें ब्लेंड करना है। कॉन्टोरिंग करने से जो हमारा मेकअप होता है काफ़ी ज़्यादा मेकअप करने के बाद चेहरा भरा भरा से लगता है, तो इससे अच्छे से शेप मिल जाता है। तो हमने अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे ले रही लैक्मे का फेस पाउडर, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसको हम अच्छे से लगा लेंगे अपने पूरे फेस पे। नेक पे मत स्किप कीजिएगा, जहाँ पे आपको फाउंडेशन भी अप्लाई करना है, पाउडर भी अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको लगानी है। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी पाउडर, पॉन्स पाउडर, कोई भी हो लूज पाउडर आप ले सकते हो, तो उसे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्राउन शेड अपने सेम पैलेट से, और मैं यहाँ पर अपने आईब्रो को फील कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये फील हो जाती है ना। इससे फील करने से ना आपकी जो आईब्रो का शेप है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है। आप एक बार ट्राई करिएगा, पेंसिल यूज करिएगा एक आईब्रो में और दूसरे में ये वाला पैलेट का, आपके पास कोई भी ब्राउन शेड हो वो यूज करिएगा, तब देखिएगा डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा। और अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं ब्लशर। ब्लशर लगाने में ही बाबू उठ गई थी तो मैंने बाबू को बिठा दिया बगल में, तो ब्लशर थोड़ा सा मैं आज डार्क रखूंगी। और यहाँ पे मैंने गोल्डन साड़ी पहन रखी है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्विज ब्यूटी का हाइलाइटर, जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर हम हाइलाइटिंग कर लेंगे। आई मेकअप मैंने ब्लैक स्मोकी आई मेकअप इसलिए मैंने रखा क्योंकि हमारी साड़ी गोल्डन है, काफ़ी शाइन वाली, और इसमें थोड़ा सा बॉर्डर है ब्लैक कलर का, तो मैंने कहा इस साड़ी के साथ ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। और हम यहाँ पे ले रहे हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे, मेरा ख़राब हो गया है इसी वजह से मैं ब्यूटी ब्लेंडर में लगा के स्प्रे करके फिर अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर लूँगी हुडा ब्यूटी की दो लिपस्टिक, जिनमें से बेस्ट वाली मैं ये लगाऊँगी, सेकेंड मेरी रेड शेप में है थोड़ी सी, तो चलिए पहले हम ये लगा लेते हैं।
कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गोल्डन साड़ी इसलिए रखी हुई है क्योंकि लड़कियाँ जो थोड़ा सा लाइट साड़ी हैवी साड़ी नहीं पसंद करती हैं और इस तरीके का लुक क्रिएट करेंगी ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी दिखने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर ध्यान में रख के ये लुक क्रिएट किया है। तो मैं भी आज बन गई थी लड़की बिना शादी शादीशुदा वाली नहीं, अनमैरिड वाली, ऐसा नहीं है, शादीशुदा वाली भी ये लुक क्रिएट कर सकती है, दोनों के लिए है। बट खास तौर से मैंने अनमैरिड के लिए ये लुक ध्यान में रखकर किया है। तो आप काफ़ी ज़्यादा अलग लगने वाले हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो दोनों ही कर सकती है, ऐसा नहीं है। बट होती है ना कुछ बोलती है कि दी हमें सिर्फ जो मैरिड वाले नहीं करते, अनमैरिड करती है ना वो दिखना है, थोड़ा सा स्पेशल दिखना है। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ ध्यान में रख के ये लुक क्रिएट किया है। तो मैं भी गई थी पार्टी में ये लुक क्रिएट करके, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है, तो अगर आपके पास मेटल की चूड़ियाँ तो उन्हें साइड रखिए, कांच वाली पहनिए, देखिए कितनी खूबसूरत लगती। प्लेन मैंने भी मेटल को साइड कर दिया, मेरे पास मेटल की बहुत पड़ी हुई हैं, लेकिन इस समय कांच की चूड़ियाँ प्लेन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत की मैंने आपके लिए, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना, कुछ बनता ही है। तो चलिए बहुत ज़्यादा पक पक कर लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलती है अच्छे से वीडियो के साथ, ओके बाय बाय, लव यू।